वाराणसी। तो वहीं राहुल गांधी रायबरेली से सांसद बने रहेंगे और वायनाड संसदीय क्षेत्र से इस्तीफा देंगे। लंबी चर्चा के बाद कांग्रेस आखिरकार ये फैसला ले चुकी है। वायनाड सीट पर होने वाले उपचुनाव में प्रियंका गांधी कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी। देखिए रिपोर्ट। वायनाड या रायबरेली, कौन राहुल गांधी के दिल के ज्यादा करीब है? किस लोकसभा क्षेत्र से पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सांसदी छोड़ेंगे और कहां के सांसद बने रहेंगे? कांग्रेस ने इस सवाल से पर्दा हटा दिया। कांग्रेस पार्टी ने एक बैठक के बाद इस बात की घोषणा की कि राहुल गांधी वायनाड संसदीय क्षेत्र से इस्तीफा देंगे और रायबरेली के सांसद बने रहेंगे। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड के उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। मगर प्रियंका वायनाड जाएगी और मैंने प्रियंका से भी कहा है और वायनाड के लोगों से भी कहा है कि वायनाड के दो सांसद हैं और रायबरेली के भी दो सांसद हैं। सियासत में काफी दिन से ये असमंजस बना हुआ था कि राहुल गांधी आखिर किसे अपनी कर्मभूमि के तौर पर चुनेंगे। फैसले के बाद उन्होंने कहा कि दोनों ही लोकसभा क्षेत्र की जनता उनके दिल के करीब है। नहीं, काफी मुश्किल डिसीजन था, इमोशनल डिसीजन था, क्योंकि मेरा दोनों जगह से इमोशनल रिश्ता है, रायबरेली से और वायनाड से। पिछले 5 साल से मैं वायनाड का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं और बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा, बहुत प्यार मिला, बहुत रिस्पेक्ट, लव एंड अफेक्शन मिला। मगर कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कहा कि मुझे रायबरेली, देश में आज हालात है और मेन जो लड़ाई है वो उत्तर प्रदेश में है और पुराना रिश्ता तो है रायबरेली के साथ, तो इसलिए ये डिसीजन लिया गया। राहुल ने कहा कि इस इस्तीफे के साथ वायनाड के साथ उनका रिश्ता खत्म नहीं होगा, ये उनके लिए कठिन निर्णय था। हालांकि वो अब भी वायनाड का दौरा करते रहेंगे। ये अच्छा लग रहा है, रायबरेली भी एक दूसरा घर है हमारा, तो अच्छा है, अच्छा हुआ है। बता दें कि हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी ने वायनाड और रायबरेली दोनों जगहों से लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ा था और दोनों ही जगहों से उनको जीत मिली थी, जिसके बाद उनको संविधान के मुताबिक एक सीट से इस्तीफा देना ही था और उन्होंने सांसद के रूप में रायबरेली का प्रतिनिधित्व करना चुना। रायबरेली कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। इससे पहले राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी यहां से सांसद रह चुकी है। टीम न्यूज स्टेट। तो वही गाजीपुर में लोकसभा चुनाव के बाद नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जमानिया विधानसभा में आयोजित